नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने शनिवार को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने अपने बाल मुंडवा लिए। उन्होंने मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ अपना मुंडन कराया। इस दौरान वे रोने लगे। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह को नौटंकीबाज बताया, कहा कि उनके चलते ही मैंने मुंडन कराया है। मिर्ची बाबा ने कहा कि मैं निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर और बचपन से नागा हूं। आज मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जनता डरेगी, लेकिन भारत का सन्यासी नहीं डरेगा। मिर्ची बाबा 3 दिन पहले ही बुधवार को रेप केस में बरी होने के बाद जेल से बाहर आए। शुक्रवार को वे उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुँचे थे, जहां गर्भगृह में जाने से रोकने पर उन्होंने हंगामा किया था। मंदिर में ही चिल्लाते हुए उन्होंने कहा था, है महाकाल मुख्यमंत्री को बदल देना। मिर्ची बाबा ने सीएम शिवराज सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा, शिवराज ने घोटाले किए हैं, मध्य प्रदेश को खोखला किया है, अधिकारियों का ट्रांसफर पैसा लेकर किया, एक संत के ऊपर शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कमलनाथ की तारीफ की, कहा कि उनके लिए प्रचार करूंगा। मिर्ची बाबा ने आगे कहा, मेरे ऊपर बलात्कारी होने का आरोप लगाया गया, जबकि मैं निर्दोष साबित हुआ। मेरे ऊपर लगे आरोपों का जवाब अब कौन देगा? उन्होंने कहा, जिस तरीके से साधुओं को फंसाया जा रहा है, यह भारत का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सामने ही मुंडन कराने के सवाल पर मिर्ची बाबा ने कहा कि पीसीसी के सामने मुंडन इसलिए कराया क्योंकि मेरा घर है, यह मेरा द्वार है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सराहना करते हुए कहा, कमलनाथ ने संतों को पट्टे दिए, गौ माताओं के लिए गौशाला बनवाई, कभी संतों से द्वेष भावना नहीं रखी। मिर्ची बाबा ने कहा, मध्य प्रदेश में जनता की अदालत लगेगी, जो सीएम शिवराज को जवाब देगी और सत्ता विहीन करेगी। मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा और कमलनाथ के लिए घर घर जाकर वोट मांगूंगा। महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलने पर कहा कि महाकाल में इसलिए प्रवेश नहीं दिया जाता है क्योंकि लोगों को मालूम है कि महात्मा पर कांग्रेस की सील लगी है, महात्मा कांग्रेस का है। लोगों ने मान लिया है कि महात्मा पर कांग्रेस की सील लगी है। मैं न आज डरा हूँ न कल डरा था। रायसेन की 28 साल की संतान महिला ने मिर्ची बाबा पर नशीली भभूति खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़ित महिला ने 8 अगस्त 2022 को भोपाल के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मिर्ची बाबा के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया था। इसके अगले दिन यानी 9 अगस्त 2022 को पुलिस ने मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा था। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सपोर्ट में कंप्यूटर बाबा के बाद मिर्ची बाबा भी राजनीति में सक्रिय हुए थे। उन्हें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का करीबी माना जाता है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान वो तब और ज्यादा चर्चा में आ गए थे, जब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्ची का हवन किया था। मिर्ची बाबा ने तब ऐलान किया था कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीते तो वो जल समाधि ले लेंगे। जल समाधि लेने के लिए भोपाल कलेक्टर से अनुमति मांगी थी, जो नहीं। संतों की रक्षा कर इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री से। हे महाकाल। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।